Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, भारत ने विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर चौथी बार इस वैश्विक टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत मैच ने जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 4 विकेट का नुकसान पर 397 रन बनाए, तो वहीं न्यूजीलैंड की पूरी टीम 48.5 ओवरों में 327 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 57 रन देकर 7 विकेट लिए। दिल्ली और मुंबई पुलिस का पोस्ट आ गया है। जी हां, बात करें तो मोहम्मद शमी के इस शानदार प्रदर्शन की हर तरफ तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर शमी लगातार ट्रेंड में बने हुए हैं। शमी के इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर पर एक ऐसा पोस्ट किया है जो वायरल हो गया है। मैच के बाद दिल्ली पुलिस ने लिखा है कि मुंबई पुलिस, हमें उम्मीद है कि आप लोग मोहम्मद शमी के जरिए आज किए गए हमले को लेकर उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। मुंबई पुलिस ने भी दिल्ली पुलिस के पोस्ट का तुरंत जवाब दिया और लिखा, दिल्ली पुलिस, आप अनगिनत लोगों के दिलों को चुराने के लिए धाराएं लगाना भूल गए हैं और साथ ही अपने सह आरोपियों की लिस्ट भी नहीं दिए हैं। यहां मुंबई पुलिस का इशारा मैच के हीरो विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, केएल राहुल की तरफ से था, जिन्हें लेकर दिल्ली पुलिस ने चुटकी ली थी। देखते ही देखते यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। जी हाँ, बात करें तो शमी ने तोड़ी थी अहम साझेदारी। आपको बता दें कि सेमीफाइनल मुकाबले में जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने विशाल रक्ष रखा तो हर कोई ये मान रहा था कि टीम इंडिया आसानी से मैच को जीत लेगी। इसके बाद जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो इसकी शुरुआत खराब रही और 39 रन पर 2 विकेट आउट हो गए। लेकिन इसके बाद मिशेल और कप्तान केन विलियमसन के बीच जब तीसरे विकेट के लिए तेज तर्रार 181 रन जोड़े तो मैच फंसता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर गेंद मोहम्मद शमी को सौंपी और आते ही उन्होंने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरे हुए और इस लंबी साझेदारी को तोड़ा। केन विलियमसन का महत्वपूर्ण विकेट लेकर साझेदारी को तोड़ दिया। इस ओवर में शमी ने 2 विकेट लगातार लिए। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम दबाव में आ गई। हालांकि फिलिप्स और मिशेल के बीच 5वें विकेट के लिए 75 रनों की साझेदारी हुई जिसमें बुमराह ने तोड़ा। बाद में शमी ने 3 विकेट और लिए और पूरी टीम को 327 रन पर सिमटा दिया। शमी को इस शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच से भी सम्मानित किया गया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 397 रन का विशाल लक्ष्य दिया। रोहित शर्मा 29 गेंदों में 47 रन बनाकर, शुभमन गिल ने 80 रन और कोहली और श्रेयस अय्यर के शानदार शतकीय पारी खेली। कोहली जहां 113 गेंदों में 117 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं श्रेयस ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की और 70 गेंदों में 105 रन बनाए। अंतिम ओवरों में केएल राहुल ने 20 गेंदों में 39 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। बाकी मोहम्मद शमी को लेकर आपकी क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइए।